नमस्कार, सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन ने आईटी 402 क्लास 10th के लिए जिसका जॉब रोल है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो हम सब इसका इंतजार कर रहे थे कि 2020-21 में क्या कुछ नया सिलेबस आने वाला है आईटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो हाँ, 15 पेज का करिकुलम सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल cbseacademic.nic.in पर ये सिलेबस अपलोड कर दिया है। करिकुलम को सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेट स्टार्ट क्लास 10। सो कोर्स टाइटल है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इस कोर्स का पर्पस क्या है? तो सबसे पहले कोर्स का पर्पस क्लियर कर दिया कि डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्री यानी आईटी अनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्री को समझाने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इंडिविजुअली आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, उन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दिया। दिस जॉब इन्वॉल्व्स वर्किंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टू एंटर एक्यूरेट डेटा रिगार्डिंग। कोर्स की आउटकम की बात करें, नंबर वन, आपका रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन पीपल्स के साथ में, लोगों के साथ, कस्टमर्स के साथ में प्रॉपर होना चाहिए। प्रिंसिपल्स आपको समझने चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक स्किल्स कंप्यूटर की क्या हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आपको डेमोंस्ट्रेट करनी आनी चाहिए, उसका प्रैक्टिकली व्यवहारिक यूज आपको आना चाहिए। डेमोंस्ट्रेट द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ सेल्फ एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बिजनेस से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है, आगे हम पढ़ेंगे, तो ये आपको प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। ग्रीन स्किल्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस किस तरीके से आप डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। वर्क सेफली ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर किस तरीके से आप सेफ तरीके से काम कर सकते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना आना चाहिए। यूज द कंप्यूटर फॉर डेटा एंट्री पर प्रोसेस, डेटा एंट्री प्रोसेस के लिए आप कंप्यूटर कैसे यूज कर सकते हैं। क्वेरीज को हैंडल करना, डेटा एंट्री की रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना, ये सारी चीजें, और अंडरटेक डेटा एंट्री विद स्पीड एंड एक्यूरेसी, इन सब का भी आपको काम आना चाहिए। तो ये एक प्रोफेशनली किसी भी डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के जो जॉब रोल्स के काम है वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो ये चीजें बता दी गई हैं। आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल हैजर्ड्स द वर्क प्लेस, द पोज ऑफ डेंजर एंड थ्रेट, देयर सेफ्टी और हेल्थ ऑन दैट ऑफ अदर्स। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या डेंजरस खतरे हो सकते हैं जब आप वर्क प्लेस पर काम करेंगे, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी ये सारा जो कोर्स है आपको ये सारी नॉलेज देगा। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स को आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के बारे में पता हो, डेप्थ ट्रेनिंग होगी उसकी डेटा एंट्री को लेकर के, इंटरनेट और इंटरनेट के टूल्स को लेकर के, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसको डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन पर काम करने के लिए, यानी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों के कॉम्बिनेशन पे प्रॉपर और अच्छे तरीके से यूज उसे आना चाहिए। अनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, उसकी क्या क्या डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग के नए तरीके हैं वो सब पता होने चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कैपेबल होगा जब ये सारे काम वो सीख लेगा किसी भी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिनिस्ट्रीज, कोर्ट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट में, असेंबलीज में, इन सब पर वो काम करने लायक होगा। और वो क्या काम कर पाएगा, उसके पास क्या क्या स्किल्स वो डेवलप कर पाएगा, डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट और डेटाबेस, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएगा, इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ पाएगा। साइलेंट फीचर दे दिए हैं इस कोर्स की, तो बिल्कुल ये एक कोर्स नए तरीके से, अब तक मतलब ये मान सकते हैं कि आईटी 402 का एक बिल्कुल नया अवतार है ये, और एकदम प्रोफेशनल कोर्स को क्लेरिकल तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब आते हैं इसके टोटल मार्क्स पर। 100 मार्क्स का पेपर, थ्योरी 50 मार्क्स की, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स की तरह, पिछले सेशन की तरह ही। स्कीम ऑफ यूनिट्स क्या है, पूरा का पूरा डिवाइडेशन दे दिया है। नंबर ऑफ आवर्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 200, तो 200 घंटे का जो ये पूरा एक शेड्यूल बनाया है इन्होंने क्लास 10th के लिए, और उसमें किस किस तरीके से डिवाइडेशन दिया है। पार्ट ए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आपकी 5 यूनिट है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। तो पार्ट ए पिछले साल भी यही 5 यूनिट थी, इस बार भी यही है, लेकिन अभी हालांकि सीबीएसई ने अपनी एकेडमिक वेबसाइट पर 2020-21 के लिए बुक्स डाउनलोड ऑप्शन नहीं दिया है। अभी पुराने बुक्स के अकॉर्डिंग ही सिलेबस बुक पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि जब ये सिलेबस चेंज हुआ है तो सीबीएसई वहां पर अपना कॉन्टेंट भी चेंज करेगी। तो 10 मार्क्स का आपका इसका एग्जाम होगा, टोटल 50 घंटे, 50 थ्योरी
घंटे के हिसाब से इन्होंने क्लास डिजाइन की है पार्ट ए के लिए। इसी तरीके से पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में चार यूनिट हैं। नंबर वन है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस लेवल, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस लेवल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो एक दो तीन चार, जिसमें आपका एमएस वर्ड 8 मार्क्स का, स्प्रेडशीट आपका 10 मार्क्स का, डीबीएमएस आपका 12 मार्क्स का और आपका वेब एप्लीकेशन 10 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स की थ्योरी इन चार यूनिट से यहाँ कवर होगी और 10 मार्क्स की थ्योरी ऊपर की पांच यूनिट से कवर होगी। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट सी में प्रैक्टिकल जो सेशन है उसमें 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम, 10 मार्क्स का रिटर्न और 10 मार्क्स का वाइवा होगा, जिसमें आपके 35 मार्क्स प्रैक्टिकल का एक पोर्शन जाएगा। पार्ट डी में आपकी प्रैक्टिकल फाइल या स्टूडेंट पोर्टफोलियो जो आपके 10 मार्क्स का होगा, फिर उस प्रैक्टिकल फाइल के अगेंस्ट में आपका वाइवा क्रिएट होगा जो 5 नंबर का होगा, तो 15 नंबर, तो 35 और 15 मिलाकर 50 और ऊपर की थ्योरी के 50, तो 50 यानी पार्ट ए एंड बी थ्योरी पार्ट, पार्ट सी एंड डी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट पार्ट, तो 50+50 टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर आपका कंप्लीट होगा। डिटेल्ड करिकुलम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एक्चुअल में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो पार्ट ए है वो सभी वोकेशनल स्किल कोर्सेज के साथ में अटैच्ड है। तो यहाँ लिख दिया उन्होंने कि फॉर डिटेल्ड करिकुलम टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर पार्ट ए स्किल्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सीबीएसई वेबसाइट। यानी आप इसके लिए केवल पार्ट ए के लिए अलग से सिलेबस देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस। तो अभी हम डिटेल सिलेबस पर भी जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी हम केवल जो मेन हमारा IT 402 है उसमें पार्ट ए का सिलेबस हमने मोटा मोटा देख लिया है, ये अभी लगभग सेम लग रहा है। डिटेल सिलेबस में कुछ नया चेंजेस होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। अब पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी में जो एडवांस लेवल है तो यूनिट वाइज क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी। यानी इस बार मैंने जो अभी ये कंप्लीट पढ़ लिया है तो बहुत सारी नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक इसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं, जैसे लर्निंग आउटकम है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, बाकी सब उसके डिटेल में दे दिया है। यानी स्टाइल डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में जब स्टाइल्स या फिर आपका ओपन ऑफिस के अंदर स्टाइल्स होते हैं तो स्टाइल्स का प्रॉपर यूज आपको आना चाहिए। ऐसे ही आपको इमेजेस को डॉक्यूमेंट में ऐड करना और उनका यूज करना, इसी तरीके से टेम्पलेट्स का यूज करना, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल्स ऑफ कॉन्टेंट्स, टेबल का क्रिएशन करना, मेल मर्ज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आना। तो वर्ड में काफी कुछ एडवांस दे दिया है, ये पहले पिछले सालों में नहीं था लेकिन जो इस साल में जोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में बहुत सारी नई चीजें हैं। गोल सीक एक फंक्शन होता है, तो गोल सीक के सारे सिनारियोज को समझना है, स्प्रेडशीट पर लिंकिंग करनी है, स्प्रेडशीट का डेटा दूसरों के साथ शेयर करना और उसको रिव्यू करना, एक्सेप्ट करना, व्यू करना और रिजेक्ट करना, मैक्रो का यूज करना, डीबीएमएस का क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसके एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को भी समझना। पहले के कोर्सेज से थोड़ा सा कोर्स यहाँ पे बढ़ा है, टॉपिक बढ़े हैं, लेकिन वो टॉपिक इतने इनोवेटिव हैं, इतने इंटरेस्टिंग हैं कि मुझे लगता है कि इस बार लगा है कि हाँ 10 IT 402 कुछ अपने नए तरीके से, नए अवतार में प्रोफेशनल तरीके से सामने आया है। क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड्स एंड SQL कमांड्स, तो SQL की क्वेरीज के बारे में बात की है जो हमने पिछले साल भी पढ़ी है, ऑपरेशंस ऑन टेबल पे कैसे काम करना है, डेटा कैसे रिट्रीव करेंगे क्वेरीज की हेल्प से, फॉर्म और रिपोर्ट क्रिएट करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन जिसमें आपको, आपने पिछले साल भी कीज पढ़ी है तो ये कीज वगैरह के बारे में बात की है, पिछले साल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग जिसमें गूगल टॉक के बारे में बात की है, गूगल टॉक पे कैसे चैट करते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं, वेब पेजेस, ब्लॉग को बनाना, ब्लॉग पे ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स पे काम करना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे किन किन बातों का ध्यान रखना, इंटरनेट सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में समझना, वर्क प्लेस की सेफ्टी, ये एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया है इसी चैप्टर के अंदर, सिक्योरिटीज के साथ साथ वर्क प्लेस की सेफ्टी पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक्सीडेंटल्स और इमरजेंसीज में क्या क्या बचाव करने हैं, आपको अपने स्वास्थ्य और सेफ्टी कैसे ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फील्ड विजिट्स, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है कि आपको फील्ड विजिट कराई जाएगी, यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि कैसे वहां पे काम होता है, विजिट अ डेटा एंट्री सेंटर और आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे डेटा एंट्री सेंटर हो गया, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सीटिंग पोस्चर क्या होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज करते हैं, कितनी मैन पावर एंगेज होती है, कितना एक्सपेंडिचर आ जाता है, एनुअल इनकम लगभग कितनी बैठती है, प्रॉफिट और लॉस कितना होता है, या उससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी भी, क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या मटेरियल्स आपके लैब के लिए, स्टडी के लिए होने चाहिए,
तो मिनिमम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट दे दी है कि कंप्यूटर विद लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन विद मिनिमम पेंटियम प्रोसेसर विद मिनिमम 2GB रैम, तो कम से कम 2GB रैम तो चाहिए। 17 इंची की LED होनी चाहिए, आपका ग्राफिक NIC कार्ड होता ही होता है, 3 बटन वाला माउस आपके पास में होना चाहिए। तो जनरली हम क्वेश्चन पढ़ते थे कितने बटन होते हैं माउस में, 2 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, बट एक मिड बटन भी होता है। तो 105 कीज वाला कीबोर्ड भी आपको होना चाहिए, बिल्ट इन स्पीकर एंड माइक आपका सिस्टम होना चाहिए, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर, ऑनलाइन UPS, 16 पोर्ट का स्विच, एयर कंडीशनर, टेलीफोन लाइन, फायर एक्सटिंगशर, तो ये कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर में आपका लिनक्स और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उन कंप्यूटर्स में एंटीवायरस होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी सूट, ओपन ऑफिस या गूगल सूट, ये पूरा आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए। फर्नीचर के बारे में बात की है, क्लासरूम्स की चेयर और डेस्क कितनी कितनी चाहिए, यानी एक एवरेज स्टैंडर्ड क्लास के हिसाब से बात की है। कंप्यूटर की टेबल्स के बारे में बात की, प्रिंटर की टेबल्स किस तरीके से, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। टीचर्स और ट्रेनर की क्वालिफिकेशंस भी CBSE ने डिसाइड कर दी है, कोई भी ग्रेजुएट BCA या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे सभी क्वालिफाइड लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज के लिए। ग्रेजुएट विद PGDCA 2-1 का A-level का सर्टिफिकेट हो या इससे ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे सेशन प्लान्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, आपको डिलीवरी सेशंस के लिए सारे तैयार होना पड़ेगा। ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप बैंक और पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं, मार्केटिंग कंपनीज में जा सकते हैं, अकाउंटिंग कंपनीज में जा सकते हैं, HRD में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस है, MNCs है, स्टडी सेंटर्स है, स्कूल या वेबसाइट्स, यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, तो बहुत सारे स्केल्स यहाँ बता दिए गए हैं। वर्टिकल मोबिलिटी के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। तो इवन इस 15 पेज के सिलेबस में मुझे इस बार बड़ा फील हो रहा है, पर्सनली अंदर से एक जोश आ रहा है कि आप सबके साथ में हम 2020-21 में बहुत बढ़िया स्टडी करने वाले हैं और एक नए सिलेबस के साथ में प्रोफेशनली अपने स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, हम सभी तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए, इसको एक हर्डल ना मान करके एक इंटरेस्टिंग नया फेज है हमारे सामने और हम इसको एक मजेदार तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 2020-21 का जो ये सिलेबस है। थैंक यू।